नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हिमाचल में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही अब चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार पर शुरू हो गई है और एक अहम बैठक भी की है और ये बैठक रविवार को शपथ ग्रहण के ठीक बाद हुई है। इस बैठक में कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 4 से 5 दिन में सरकार की नई टीम बन जाएगी और मंत्रिमंडल में जिन जिलों को जगह मिल सकती है उनमें शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू शामिल है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसी संसदीय क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। बिलासपुर से राजेश धर्माणी और हमीरपुर से सुजानपुर से राजेंद्र राणा के नाम पर भी मंत्री पद को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि मंडी जो है उसमें कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं मिला है और ऐसे में इस बार मंत्री पद कुल्लू जिला को मिल सकता है। यहां से सुंदर ठाकुर का नाम कांग्रेस की नई कैबिनेट के लिए ही चर्चा में चल रहा है और सबसे बड़े कांगड़ा जिला से मंत्री पद की रेस में ज्वाली से चंद्र कुमार और धर्मशाला से सुधीर शर्मा का नाम शामिल है। वरिष्ठता के आधार पर इन दोनों के नाम पर कांग्रेस हाईकमान के साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श कर चुके हैं। हालांकि किसी भी नाम पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। चंबा के भाटियात से कुलदीप पठानिया और इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान को कैबिनेट रैंक मिलने की पूरी संभावना है। सोलन जिला में भी पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को जिम्मेदारी दे सकती है और शिमला से ही विक्रमादित्य सिंह और रोहित ठाकुर मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाते इस बार नजर आएंगे। जबकि किन्नौर से ही जगत सिंह नेगी के नाम पर भी सहमति लगभग बन चुकी है, उन्हें जनजातीय कोटे से मंत्री पद मिल सकता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला शक्ति पद यात्रा निकाली जाएगी और जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। और इससे पहले सोनिया गांधी अक्टूबर महीने में कर्नाटक के मांड्या में ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पद यात्रा की थी। और रमेश ने बताया कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को अलवर के संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन ही जनसभा को आयोजन होगा। उन्होंने बताया है कि यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और इसके बाद कुछ दिनों पर विश्राम होगा। और रमेश ने यह भी जानकारी दी है कि विश्राम के दौरान कंटेनरों के रखरखाव और मरम्मत का काम होगा और 2 या 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। पीलीभीत में खाना खाते समय पति की थाली में अचानक बाल आ गया, जिस पर पति आग बबूला हो गया और उसने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके बाल काटकर उसको गंजा कर दिया। इस मामले में पत्नी की शिकायत पर थाना गजरोला पुलिस ने पति सहित 3 पर FIR दर्ज कर पति को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला थाना गजरोला इलाके के मिल्क गाँव का है, जहाँ के रहने वाली 30 साल की महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि उसके पति खाना खा रहे थे और उसी दौरान उसके खाने में बाल निकल आया और जिस पर मेरा पति गुस्से में ही गाली गलौज करते मारपीट करने लगा और साथ ही मेरे हाथ पैर बांधकर बाल काट दिए गए और मुझे गंजा कर दिया गया। इस मामले में विवाहिता की तरफ से थाना गजरोला में पति देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि विवाहिता पीलीभीत के थाना पूरनपुर के गाँव गुंडा अपने माता पिता के घर चली गई है। देखिए, ये थाना गजरोला क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी और उनके विवाद में उस व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के बाल मूंद दिए गए थे ट्रिमर द्वारा, जो कि उनका एक ट्रिमर के द्वारा जो हमें पता चला। इसमें ये हमारे संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और उसका जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया, उसका चालान कर दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, बड़ा ही
गंभीर मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है थोड़ा विस्तार से बताइए। जी आपको बताना चाहेंगे, पूरा मामला थाना गजरौला इलाके के मिलक गांव का है, जहां पर एक पति जो है खाना खा रहा था, उसकी थाली में जो है बाल आ गया, तो उसके बाद जो है उसका पति जो है हाथ बबूला हो गया, पत्नी के हाथ पैर बांधी और मातृ की गणेश करी, उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा पूछते उससे बाल जो है काट दिया, गंदा कर दिया, उसको थाली वाली सजा यहाँ पर गई है। तो इस पूरे मामले की जब शिकायत जो है पीड़िता ने थाने में की, थाने में तत्परता के साथ जो पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, और वही तीन लोगों के खिलाफ, अन्य तीन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया, जिसमें पास ससुर और देवर यहाँ पर है जो अभी फरार चल रहा है, पुलिस लगातार उनकी फरार कर रही है। पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी प्रांजल, अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और परिजनों की क्या अभी गिरफ्तारी हो पाई है? जी पुलिस ने आरोपी पति को तो हाल ही फिलहाल में जो है गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो अन्य जो आरोपी हैं उनकी जो है तलाश जो है लगातार जारी है, उनके लिए जो है दबिश लगातार दी जा रही है, हालांकि अभी अन्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तार नहीं हो पाए, हालांकि पति जो है गिरफ्तार हो गया। जी प्रांजल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पीलीभीत में पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र और बरेली डॉक्टर राकेश सिंह कुमार जनपद पीलीभीत में प्रथम आगमन पर पुलिस गाइड में गार्ड को सलामी ली गई है। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने शहर में पैदल गश्त किया और साथ ही सुनगढ़ी थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया और थाने की साफ सफाई से IG जोन संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं जो कमी थी उसको दूर करने का भी निर्देश दिया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस अपना काम करे, किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए, महिला अपराध पर खास करके तवज्जो दी जाए। पर मैं पीलीभीत के आज प्रथम दौरे पर आया था, मैंने यहाँ पर सभी थाना प्रभारियों से बैठक किया, आगामी चुनाव को देखते हुए नगर निगम की और स्थानीय निकाय के उनको निर्देशित किया गया, साथ में हम लोगों ने यहाँ पर फूड पेट्रोलिंग किया है और बाजार में भ्रमण करके लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। यहाँ भी मैं सुनगढ़ी थाने पर हूँ, यहाँ पर थाने की व्यवस्था, यहाँ का मेस, यहाँ पर का महिला हेल्प डेस्क और थाने कार्यालय को देखा और यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में पाया गया, क्योंकि ये थाने में साफ सफाई भी अच्छी है, रखरखाव अच्छा है, कुछ कमियों के बारे में निर्देश दिया गया जो पूरा करने के लिए बताया गया। मथुरा में चेकिंग के दौरान गोवर्धन पुलिस ने साइबर ठगी के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नकदी सहित 6 मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने चालान कर दिया है और जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर नितिन कसाना पुलिस बल के साथ देवसरस दौलत मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर दौलतपुर के ही शिव मंदिर समीप साइबर अपराधियों द्वारा ही ऑनलाइन ठगी करने की जानकारी मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुभाष सूरज और पुत्रगण भगवान सिंह और सुदीक गनी पुत्रगण फज्जर निवासी दौलतपुर को हिरासत में ले लिया है। तलाशी में उनके कब्जे से 40,000 रुपए और 6 मोबाइल बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही आरोपियों का चालान भी कर दिया गया है। कानपुर से लखनऊ आ रही रोडवेज की बस रविवार को बंथरा में आग की लपटों में घिर गई और पैसेंजर चीखने चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे लगाया, लपटों से घिरी बस के शीशे को लाठी डंडों से तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिससे यात्रियों को चोटें भी आई हैं। बस में कुल 48 यात्री थे और परिवहन अधिकारियों के मुताबिक सेल्फ के स्विच में ही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस में आग लगी थी। मामला बंथरा का है। आजाद नगर डिपो की बस संख्या UP 77T 4386 कानपुर के ही झकरकटी से रविवार सुबह करीब 11 बजे
रवाना हुई थी। बस में कुल 48 सवारियां थी। बस के चारबाग पहुंचने से पहले ही बंथरा में दोपहर 1 बजे आसपास आग लग गई। इंजन से उठी आग को देखकर यात्रियों के होश उड़ गए और हड़कंप मच गया और पैसेंजर इधर उधर भागने की फिराक में लग गए। और इसी बीच ड्राइवर ने आनन फानन बस को ही सड़क किनारे खड़ा कर दिया और जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला है। बस से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में ही कोई फिलहाल घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, एक परिवहन निगम की एक बस थी जो मुझे लगता है कि दयनीय स्थिति थी उसकी। ये मैं कह सकता हूँ कि उस बस में शायद फिटनेस की कमी रही होगी। अचानक इसमें आग लगी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था, लेकिन ये 4 दर्जन से अधिक यात्री इस बस में सवार थे और अचानक दिन दहाड़े ये बस में जब आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल मचा। जब सभी यात्री आनंद फानन में निकलने लगे तो बड़ी मुश्किल से मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड जब आई मौके पर और कुछ लोगों ने पानी डाल के बुझाने की कोशिश की। हालांकि बस में कोई हादसा इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल ये उठने वाली बात यह है कि अचानक जो सरकारी बसें हैं गवर्नमेंट की, वो अचानक इस तरीके से शॉर्ट सर्किट में आग लग रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फिटनेस की जरूरत तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को हो गई है और चेकिंग की रूटीन पे सबसे ज्यादा तो परिवहन निगम की बसों को शायद बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, अगर इसमें कोई हादसे हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है या कोई गंभीर हादसा हो जाता है तो इससे कहने के सवाल खड़े होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के साथ सरकार को भी सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन चूंकि ये स्थिति एक किस कारण से थी, शॉर्ट सर्किट से थी या किसी और वजह से आग लगी, इसका पता भी चल नहीं पाया है। लेकिन दिनदहाड़े लखनऊ में थाना बंद्रा के आसपास इस बस में आग लगी थी और इसमें 4 दर्जन से यात्री ज्यादा सवार थे। हालांकि यात्री सकुशल बरामद निकल गए बस से, उसके बाद भी मौके पर आग पर काबू पाया गया। लेकिन खटारा बसों की हादसा हालत देखते हुए ये बात पता चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो नई बसें आनी थी वो बसें अब तक क्यों नहीं है और इन बसों में सुधार अब तक क्यों नहीं पाया। फिटनेस की इस पर चेकिंग होने बहुत जरूरी है। जी जी दानिश, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया क्या कि आग किस कारण लगी है? नहीं, इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाया है क्योंकि मौके पर देखिए पुलिस भी पहुंची थी, फायर ब्रिगेड पहुंचे थे। हो सकता है शाम तक क्लियर हो पाएगा। 1 बजे अचानक ये आग लगी है और यात्री सबसे बड़ी चीज तो होती है वहां पर लोग दूसरों को बचाने के प्रयास करते हैं। जांच का विषय तो बाद का है, जैसे कि 4 दर्जन यात्री सवार थे और अचानक वो बस से निकले आनंद फानंद में, तो उनको सब कुछ बचाने की सबसे बड़ी कवायद होती है। इसके बाद बस को बुझाने की कवायद की, इसके बाद ही जांच का प्रक्रिया शुरू होगी और जांच में क्या साबित होता है ये तो परिवहन विभाग या जांच दल तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़क परिवहन में जो खटारा बसें हैं इनके कहीं ना कहीं बदलने की, रिप्लेस करने की जरूरत है। जो नई बसें आनी थी उन बसों में इतनी देरी क्यों हुए ये सोचने वाली बात है। और फिटनेस की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग की बसों की है। जी दानिश, बस में कितने लोग सवार थे? फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं सामने आई है? 4 दर्जन से ज्यादा यात्री, हालांकि इसमें हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि यात्री मौके से निकल गए थे और लोगों ने जो आसपास के लोगों ने जो मदद की थी उनके बदौलत ये यात्रा से आनंद फानंद में निकले थे। लेकिन अगर कोई वहां पर आसपास के लोग आनंद फानंद में मदद ना कर पाते या वो लोग यात्री बाहर बस से बाहर ना निकल पाते तो कोई गंभीर हादसा हो सकता था। आग पीछे के हिस्से में लगी थी, अगर आगे के हिस्से में लगी होती है बीच में तो कहीं ना कहीं यात्री उसमें फंस सकते थे। जी दानिश, अब जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए दमकल अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे थे वहां पर? देखिए, बस में जब आग लगी तो जो कि एक टाइट प्लेस पे ये बस खड़ी चलते चलते लग गए अचानक, तो ये क्योंकि बंद्रा थाना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आता है इसलिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन लोगों ने अपनी कौशलता से यात्रियों को पहले बाहर निकाला, यात्री जब बाहर निकल गए तब तो लोगों ने प्रयास किया आग बुझाने को। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद कहीं मौके पर कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी जिससे इस बस में काबू पाया जा सका। अब ये जांच दल तय करेगा कि आग कितने की कैसे लगी और क्या क्या नुकसान हुआ इसमें, और उसके बाद ही रिपोर्ट तय हो पाएगी कि आखिर बस में आग लगने का कारण क्या था। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के देने के लिए। तो आपको उन्नाव से खबर बता रहे थे जहां पर रोडवेज बस में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि सभी यात्रियों की बमुश्किल से ही बस से बाहर निकाला गया, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई में सड़क हादसे में मां बेटे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सांडी थाना क्षेत्र के बरोलिया पुल के पास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं एम्बुलेंस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में जो है वो माँ बेटे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और मामला पूरा बता दें आपको कि सांडी थाना क्षेत्र के बरोलिया पुल के पास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एम्बुलेंस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। ये हादसा जो हुआ है ये सांडी थाना क्षेत्र के बरौलिया पुल के पास हुआ है। यहाँ पे रिश्तेदारी से माँ बेटे और एक अन्य के साथ तीनों लोग बाइक से आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जी, पूरा मामला जो आप बता रहे हैं कि तेज रफ्तार जो ट्रक थी उस पे आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है आसिफ। जी, आरोपी तो भाग निकला है, लेकिन ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये कितने समय की घटना है, कब की घटना बताई जा रही है आसिफ? ये वही बीती रात की घटना है, जो रिश्तेदारी से माँ बेटे और एक अन्य के साथ में बाइक से आ रहे थे, जो एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। जी ऐसे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? अब पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है और जैसे ही उसकी जानकारी मिलती है उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के आजाद मार्ग पर एक बाइक पर सवार होकर हाईवे किनारे खड़े पति पत्नी और बेटी सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान एक डंपर ने उन्हें रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही मां बेटी की मौत हो गई है और पिता गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास के दुकानदार दौड़े और डंपर समेत चालक को पकड़ लिया है। हादसे की जानकारी पर अचलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल से कानपुर हेलेट के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले को लेकर गुस्साए परिजनों ने मार्ग जाम कर हंगामा काटा है। चंदकन गई थी 8:30 बजे, वहाँ से लौट के आती थी तो एक चरपहिया ने पार होती थी तो चरपहिया ने उसको ठोक दिया, तो एक लड़की उधर ही ख़त्म हो गई और उनको लाया गया तो रास्ते में ख़त्म हो गई। उनके उनके बाइक से तीन लोग थे, कौन-कौन था? उनके बीवी थी और उनके बच्चे भी थे और उनके सिरे ज़्यादा हैं तो भर्ती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए मोहम्मद अब्बास। अब्बास, पूरा मामला क्या है? अचलगंज थाना क्षेत्र के आजाद मार्ग बाईपास की घटना है, जहां ये तीन जो लोग थे, पिता और माता इनकी बेटी, जो दर्शन करके मंदिर से लौट रहे थे, रास्ते में ये डंपर पीछे से आता है, इनको पीछे से टक्कर मार देता है, जिससे ये लोग बुरी तरह गिर जाते हैं सड़क से और इनके ऊपर जो दूसरी गाड़ी होती है वो चढ़ जाती है, जिसमें बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है। जो महिला है उसको ले जाते हुए अस्पताल, जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो जाती है जी, और पिता जो है वो घायल है और इनको कानपुर के हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया है जी। बताया ये भी जा रहा है अब्बास के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने आरोपियों को पकड़ भी लिया, उसके बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासन क्या मौके पर पहुंचा था?
जी पुलिस प्रशासन जो वहाँ मौके के क्षेत्रीय लोग थे वो वहाँ पे हंगामा करने लगे थे और जाम लगा दिया था। पुलिस ने जो मौके पर वहाँ पहुंची थी उन्हीं ने वहाँ जो जाम हो रहा था रोड उसको खुलवाया और जो डंपर था उसको पकड़ा, उसके ड्राइवर की छानबीन करी और जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। जी बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोग घायल भी हुए थे और जिनमें 2 की मौत हो गई अब्बास, और जो उनके पिता थे उनकी हालत किस तरह से है, अभी अस्पताल में भर्ती है वो? जो 2 की मौत हो गई थी और जो उनके पिता थे जो गाड़ी पे चालक थे तो बाइक चला रहे थे वो बुरी तरह घायल हो गया था, उनको जिला अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था जहाँ उनकी हालत सीरियस देखते हुए और उनको कानपुर हेल्थ के लिए रेफर कर दिया गया है जहाँ उनका उपचार चल रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे थे जहाँ पर हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे के कारण ही 2 लोगों की मौत भी हो गई है, माँ बेटी की मौत बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है जहाँ लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के आज़ाद मार्ग पर एक बाइक पर सवार होकर हाईवे किनारे खड़े पति पत्नी और बेटी सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान एक डंपर ने उन्हें रौंद दिया और जिससे मौके पर ही माँ बेटी की मौत हो गई है और पिता गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे और डंपर समेत चालक को फिलहाल पकड़ लिया था और हादसे की जानकारी पर अचलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घायल पिता का उपचार फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मामले को लेकर गुस्साए परिजनों ने अब जमकर हंगामा भी किया है। बिजनौर शहर के कोतवाली क्षेत्र के गंज इलाके में घर में घुसकर एक युवती की गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने पास के रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप भी लगा दिया है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी युवक का गोली लगा हुआ शव आज खादर क्षेत्र में मिला है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के दारा नगर गंज इलाके का है जहाँ पर बाथरूम गई एक युवती पर पास के ही रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप युवती के परिजनों ने लगाया है और घायल अवस्था में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाले 24 वर्षीय इंद्रजीत पुत्र स्वर्गीय प्रवेश शुक्रवार रात 11:30 बजे घर में घुस गया और किशोरी के गोली मारकर फरार भी हो गया और युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक 20 दिन से युवती को परेशान कर रहा था। किशोरी एक इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा है, वो स्कूल जाते समय पीछा करता है और पुलिस ने इंद्रजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी और पुलिस जांच कर रही थी कि सूचना मिली कि एक युवक का गंज से ही 5 किलोमीटर दूर खादर इलाके में पेड़ के नीचे शव पड़ा है और पुलिस मौके पर पहुंची तो शव इंद्रजीत का निकला। युवक के सीने में गोली लगी थी और गले पर रस्सी का निशान भी था। आशंका है कि गोली मारने के बाद उसे रस्सी के सहारे पेड़ पर लटकाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़का और लड़की का पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के बाप ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और फिर अपनी पुत्री के गोली मारने का ड्रामा रचा है। सूचना पर SP सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, CO सिटी अनिल कुमार मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, ये लड़की है गंज की, 15 साल की उम्र है, गंज की रहने वाली है। इसके सीने में गोली लगी हुई है और हालत उसकी ठीक है, तो भर्ती कर रखा है। कितनी गोलियां जो है डॉक्टर? 1 गोली लगी है सीने के तरफ, सीने के नीचे की तरफ। हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। ये खबर बिजनौर से है। इसमें 1 साल से लड़का और लड़की में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का रात में आता है और लड़की से बोलता है मेरे साथ चल। लड़की के मना करने पर लड़के जो इंद्रजीत है उसने लड़की के गोली मार दी और गोली मारकर लड़की को घायल अवस्था में वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर चला गया। और परिजनों को जैसे ही घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल लड़की को, छात्राएं जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पे जो देखने वाले उन्होंने ये बताया कि इंद्रजीत ने इनके गोली मार के फरार हो गया है। इसी बीच इंद्रजीत का कोई पता नहीं चला। अगले दिन जो है इंद्रजीत
खादर के क्षेत्र में गंगा के किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसके गोली लगी हुई थी। अब लड़की वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये अपना भी लगी गोली, इसके मार दिया किसी ने, लेकिन लड़के वालों का आरोप ये है कि ये लड़की के पिता ने इसकी गोली मारी है। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई है इस पर शकिल? पुलिस इसमें पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पुलिस की कार्रवाई पूरी चल रही है। जैसे ही कुछ इसमें आगे को कार्रवाई में कुछ मिलेगा तो पुलिस उसका बताएगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है पुलिस का। जी शकील, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर घर में घुसकर युवती को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवती को गोली मारी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।